मैं तनु बोध, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर पंजाब के गुरदासपुर से है, जहां कांग्रेस की आपसी गुटबाजी एक बार फिर सामने आती दिखाई दे रही है। गुरदासपुर के बटाला से कांग्रेस के पूर्व मंत्री अश्विनी शेखड़ी ने लोकसभा चुनावों को लेकर गुरदासपुर से कांग्रेस के टिकट लेने के लिए कांग्रेस हाईकमान को अपनी दावेदारी पेश की है, जिसमें गुरदासपुर कांग्रेस में अब प्रताप बाजवा, सुनील जाखड़ और अश्विनी शेखड़ी के ग्रुप आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं, जिससे आने वाले चुनावों में कांग्रेस के समीकरण बदलते हालातों के तहत बदलते दिखाई देंगे। क्योंकि लोकसभा चुनावों का को लेकर गुरदासपुर कांग्रेस में टिकट के दावेदारों के हालात एक अनार सौ बीमार जैसे बनाई दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि अश्विनी शेखड़ी कांग्रेस में कई ऊंचे पदों पर रह चुके हैं। इसी दम को दिखाते हुए अश्विनी शेखड़ी ने पिछले दिनों बटाला में अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए ट्रैक्टर रैली में निकाली, जिसमें लोगों ने शेखड़ी का साथ देते हुए भारी तादाद में शमूलियत की थी। इस टिकट दावेदारी को लेकर अश्विनी शेखड़ी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के संविधान के मुताबिक हर कांग्रेसी वर्कर किसी भी चुनाव की दावेदारी पेश कर सकता है। इसी के चलते लोकसभा चुनावों के लिए उन्होंने भी अपनी टिकट दावेदारी पार्टी के सामने पेश की है। वहीं सुनील जाखड़ को लेकर शेखड़ी का कहना था कि पार्टी के हाथ में है कि वह किसी की ड्यूटी कहीं भी लगा सकती है और अगर पार्टी जाखड़ को टिकट देती है तो हम उनके साथ हैं, लेकिन जाखड़ प्रदेश अध्यक्ष हैं और पार्टी उनको कोई और ड्यूटी भी दे सकती है। आपको यह भी बता दें कि अश्विनी शेखड़ी कांग्रेस में सन 1980 से 1981 तक कांग्रेस स्टूडेंट काउंसिल के अध्यक्ष रहे हैं। 1983 से 85 तक पंजाब यूथ कांग्रेस के जनरल सचिव भी रहे हैं। वहीं शेखड़ी के सन 1985 से सन 2017 तक बटाला से विधानसभा चुनाव कांग्रेस की तरफ से लड़ चुके हैं, लेकिन जिनमें तीन बार वह एमएलए बनकर कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 2012 से 2018 तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव भी रहे हैं और 1992 से लेकर अभी तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर चले आ रहे हैं। शेखड़ी जिस तरह 1980 से लेकर अब तक कांग्रेस में कई ऊंचे पदों पर रह चुके हैं, ऐसे में शेखड़ी लोकसभा चुनावों को लेकर गुरदासपुर में कांग्रेस के समीकरण बदलने का दम भी रखते दिखाई देते हैं। प्राइम न्यूज 24 में गुरदासपुर से विकी मालिक की खास रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के संविधान का ना हर बंदा जो वर्कर किसी भी पार्टी के इलेक्शन वास्ते टिकट अप्लाई कर सकता है और उसके तहत मैं जरूर टिकट अप्लाई की है। कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस के एप्लीकेशन भेजी। देखो गल है कि जाखड़ साहब जो साढ़े सिटिंग एम पी ने, प्रदेश के अध्यक्ष ने, बड़े माननीय सम्मानीय साढ़े मित्र ने। असी तो देखो पार्टी हाईकमांड जिन्होंने भी टिकट देगी असी वो नाल हाँ। जाखड़ साहब चुनाव लड़नगे तो सब तो वह वोटा तो बटाले जताया जाएगा, साढ़ा आपस कोई डिस्प्यूट नहीं है, पर अपना नाम देना तो कोई गुनाह नहीं है। उसलिए मैं अपनी अपनी एप्लीकेशन दी है। देखो गल है कि पार्लीमेंट चुनाव जड़े है वह तो हाईकमांड ने जिन्होंने टिकट देनी उन्हें लड़ना है। जाखड़ साहब तो साढ़े तो सीनियर ने, समझो प्रधान ने, उन्होंने टिकट दे के तो असं उन्होंने नाल हाँ। जो फॉर एग्जाम्पल जाखड़ साहब न कोई होर जिम्मेवारी पार्टी दे सकती है, वो सारे प्रदेश के अध्यक्ष ने, अगर प्रदेश का इलेक्शन लड़ाना ज आई डोंट नो, जो भी पार्टी हाईकमान फैसला करे तो अभी तो एक लाइन च लगे ना जी। मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मैं कांग्रेस हाईकमान दे नाल हां, मेरा ग्रुप कांग्रेस हाईकमान ही। जो
ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 1985 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1985 ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 92 ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਪਣਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਪੀ ਪੀ ਸੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ।